In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. Today I am here to teach you lesson number 9 of class 6, A Source of Entertainment. As usual, I have written here some difficult words from this lesson. Read it aloud with me. Marvel, hairat. Ye hairat angez bhi keh sakte hain hum. Source, zariya. Entertainment, तफरी. Competition, मुकाबला. Education, तालीम. Polls, डालना. Broadcast, नशर करना. So students, open your book, page number 48. I'm starting the reading, A Source of Entertainment. ये जो title है lesson का, इसका क्या मतलब है? तफरी का जरिया. क्या मतलब होगा इसका? A source of entertainment, तफरी का जरिया. Television is an electronic marvel. It is a powerful means of entertainment and information. Television जो है बेटा ये क्या है? बिजली से चलने वाला एक आला है, एक हैरत अंगेज इजाद है और ये एक बहुत ही ताकतवर जो है मालूमात का और तफरी का जरिया है. When we turn on the switch, जब हम टीवी ऑन करते हैं बेटा या स्विच ऑन करते हैं, आर्टिस्ट एंड द परफॉर्मर्स ऑफ एवरी काइंड मैन एंड वुमेन आर ब्रॉट ऑलमोस्ट फिजिकली इनटू द कंफर्ट ऑफ आवर ओन सिटिंग रूम. तो क्या होता है, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है किरदार यानी कि अदाकार और अदाकाराएं जो हैं वो अपने अपने जो वो होते हैं किरदार वो अदा कर रहे होते हैं, उसमें ख्वातीन और मर्द दोनों शामिल होते हैं और हम आराम से बैठकर अपने लिविंग रूम में अपने सोफे पर आराम से बैठकर जो है वो टीवी देख रहे होते हैं, तफरी हासिल कर रहे होते हैं. इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स कैन बी एंजॉयड दो दे आर टेकिंग प्लेस मैनी हंड्रेड माइल्स अवे. जो भी इसमें कोई त्यौहार कोई भी वाकयात वगैरह जो होते हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं हमसे काफी दूर, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, हम अपने घर पर बैठकर जो है उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं. वी वॉच द वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट अफगान एंड इराक वॉर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. हम क्रिकेट के जो टूर्नामेंट होते हैं वो भी बराह रास्त जो है वो टीवी पर देख सकते हैं. इसके अलावा अफगान और इराक की जो लड़ाइयां हैं उस पर जो भी डिस्कस किया जाता है या वो भी दिखाए जाते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सब कुछ जो है वो हम देख सकते हैं. अ वास्ट रेंज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा सीरियल टॉक्स एंड नॉन सीरियल क्विज गेम्स न्यूज ब्रॉडकास्ट डांसिंग कॉम्पिटिशन पॉप सिंगर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन. टेलीविजन पर बेटा हम डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम देख सकते हैं, मौसीकी के हवाले से ड्रामा देख सकते हैं, संजीदा गुफ्तगु हो रही होती है किसी प्रोग्राम में, कुछ बच्चों के लिए गेम शो या नौजवानों के लिए सब गेम शो जो है वो दिखाए जा रहे होते हैं. इसके अलावा जो खबरें हैं वो नशर की जाती हैं, डांसिंग कॉम्पिटिशन जो है वो दिखाया जाता है, पॉप सिंगर्स जो हैं उनके गाने दिखाए जाते हैं. इसके अलावा मजहबी जो आलिम हैं उनको भी हम टीवी पर देख सकते हैं, वो रोजमर्रा के जो जिंदगी से रिलेटेड जिंदगी से जो मसाइल हैं जो जरूरी मसाइल हैं जिन्हें जानना वो बता रहे होते हैं. टेलीविजन हैज बिकम अ ग्रेट पावर ऑफ इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस इट्स व्यूअर्स. कह रहे टेलीविजन क्या है, इसके पास एक बड़ी कुवत है कि वो अपने देखने वालों को अपनी तरफ जो है वो क्या कर लेता है, कायल कर लेता है, उन्हें मुतासर करता है. It is said that the politicians can change the opinion and minds of the people through it. कहा जाता है कि जो सियासतदान है वो इसके जरिए लोगों का दिमाग जो है और जो आवाम है उनके जो ख्यालात हैं उसको तब्दील करने में काफी जो है वो अहम किरदार अदा करता है. The magic power of television carries with a heavy responsibility. कह रहे जो इसका इसमें कह सकते हैं कि ये एक जादुई आवाज है. क्या डिसाइड इंटरटेनमेंट इट ब्रॉडेंस द कल्चर इंटरेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स व्यूअर्स. क्या करते हैं, ना सिर्फ ये हमें तफरी का मौका देता है बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ मुमालिक की जो सकाफत है वो भी दिखाता है हमें. इट पोर्स नॉलेज टू वाइडन देयर आउटलुक और ये हमारा इल्म भी जो है वो बढ़ा देता है.
in education, medicine and industry, television has already played a vital role. तालीम के मैदान में और मेडिसिन के हवाले से, सनद के हवाले से टेलीविजन ने, यानी कि टीवी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है. Lessons on subjects are broadcast to schools in Pakistan as well as in the world. मुख्तलिफ जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है, इस पर लेक्चर जो है वो टीवी पर दिखाए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो घर बैठे बैठे ही तालीम हासिल कर सकें. इसके अलावा क्या है, इन दिस वे वी हैव एन इनॉर्मस सेविंग ऑफ ब्रेन पावर. और काफी सारे जैसे मोटिवेशनल जो है स्पीकर्स के स्पीचेस दिखाई जाती हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, हमारे जहन की जो दरीचे हैं वो खोल देते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो है हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर सोच सकें, बोल सकें, किस तरीके से हमें जो है अगर स्ट्रेस है तो उस पर ओवरकम करना है. वी इम्प्रूव ओवरऑल अवर टीचिंग परफॉर्मेंस. इसके अलावा जो असाजा कलम है वो वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से वो अपनी टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं. इन मेडिसिन द टीचिंग हॉस्पिटल्स यूज टीवी कैमराज टेक अ कंटिन्यूस क्लोजअप पिक्चर्स ऑफ एन एक्सपीरियंस सर्जन हैंड्स एट वर्क ऑन द ऑपरेशन इन द थिएटर. क्या करते हैं कि मेडिसिन की फील्ड में जब कोई डॉक्टर हजरात वगैरह जो है वो ऑपरेशन करते हैं तो उनके ऑपरेशन को क्या किया जाता है, उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं, उनकी वीडियो बनाकर जो है वो दिखाए जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर हजरात हैं वो ऑपरेशन करते हैं. द पिक्चर इज देन रिलेट टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट इन अनदर रूम. और फिर इसके बाद जो मेडिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि जैसे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, अगर ऑपरेशन किया जा रहा था उसमें वो जब जिसम को चीर-फाड़ करते हैं तो उसमें दिखा रहे हैं जो चीजें, जिस तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट को दिखाया जाए कि हमारे अंदर ये चीजें मौजूद हैं. इन दिस वे टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग बिकम इजी. इसी वजह से क्या हो गया, पढ़ना और पढ़ाना जो है वो एक आसान अमल हो गया है. इन इंडस्ट्री टेलीविजन हैज गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस. इंडस्ट्री यानी कि सनत के हवाले से भी टीवी ने बहुत अहमियत हासिल की है. The executive wants face-to-face comprehension without loss of secrecy or time spent in travel. The television watches at close range things happening and critical points in an industrial process which are either inaccessible to a human being or too dangerous for him to approach. यानी कि इसके जरिए हमें पता चलता रहता है कि कौन सी चीज जो है वो सही है और कौन सी चीज हमारे लिए जो है वो गलत है, कौन सी चीज इंसानों के लिए जो है वो खतरनाक है. टेलीविजन सेट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द रिमोट हैंडलिंग ऑफ हाईली रेडियोएक्टिव मटेरियल्स. यानी कि किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें मॉनिटर किया, यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है जैसे स्कूल वगैरह में किसी भी उसमें कैमरा वगैरह लगे होते हैं तो क्या होता है कि जो ऑनर होते हैं वो बैठ कर अपने ऑफिस में सब कुछ जज कराते हैं कि वर्कर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि उसमें पता चल सके कि कोई इसमें जो है वो घपला तो नहीं हो रहा, कोई मतलब अपनी ड्यूटी को जो है वो सही तरीके से अंजाम ना दे रहा, तो उससे पता चल जाएगा. मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सप्लोइटेशन डेप्थ्स ऑफ द ओशन द इमेंसिटीज ऑफ स्पेस टेलीविजन हैज एक्सप्लोर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड देम. इसके अलावा जो जमीन में जो कुछ भी यानी कि खुदाई की जा रही है, समंदरों के बारे में बताया जा रहा है, खाना के बारे में बताया जा रहा है, जो भी रिसर्च है वो टीवी में दिखाई जाती है. इन स्पेस द रशियन हैव ऑलरेडी सेंट बैक फोटोग्राफ्स ऑफ द मून. खबर है रशियंस ने क्या किया है, चांद पर गए जब तो चांद से तस्वीरें जो है वो बनाकर लाए कि वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है या वहां पर किस तरीके से जो है वो जिंदगी कायम की जा सकती है नहीं. दे हैव ऑल्सो सेंट यूरी गैगरियन एंड वेरोनिका इनटू स्पेस टू एक्सप्लोर. ये दो लोग हैं जो स्पेस में यानी कि खला में गए थे और जिन्होंने खला के बारे में आके बताया. द अमेरिकन्स हैव रीच द मून. और अमेरिकी जो लोग हैं वो भी अब चांद पर पहुंच चुके हैं. नो सिंगल पर्सन कैन बी क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन. हम किसी एक शख्स को नहीं सहारा दे सकते कि मतलब उसे हम कहें कि इसी बंदे ने जो है वो टेलीविजन ईजाद किया, ऐसा नहीं है. The perfection of the modern television system was the result of number of isolated discoveries in the related field.
यानी कि अब जो मॉडर्न शक्ल में टीवी मौजूद है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो काम किया है, तब जाकर हमारे पास अब ये टीवी जो है वो मौजूद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ताल्लुक रखने वाले और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले इन सब लोगों ने जो है इस फील्ड में काम किया, तब जाके टीवी जो है वो हमें मिला। द फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय द पॉल निपको ऑफ जर्मनी इन 1884। पहला टेलीविजन वर्किंग सिस्टम किसने बनाया था? नेपाल का एक बंदा था जिसका, जर्मनी का सॉरी, पॉल निपको 1884 में। द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ अ रेगुलर टेलीविजन प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑन द इवनिंग ऑफ नवंबर 2, 1936। पहली बार जो बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो नशर किया गया ब्रिटानिया में वो 2 नवंबर 1936 को किया गया। द फर्स्ट मैन टू अटेम्प्ट टू मार्केट टेलीविजन सेट्स वर जॉन बियर्ड, स्कॉट एंड चार्ल्स एफ जैकलिन्स ऑफ द यूएसए इन 1948। पहली बार बाजार में जो शख्स टेलीविजन लेकर आया वो कौन कौन थे बोलो? जॉन बियर्ड, स्कॉट एंड चार्ल्स जैकलिन। ये यूएसए का था, 1948 में ये लोग लेकर आए थे। द कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ कलर टीवी सिस्टम। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है उसने जो है रंगीन टेलीविजन का इफ्तिताह किया था। टेलीविजन स्टार्टेड इट्स प्रोग्राम इन पाकिस्तान इन 1964 फ्रॉम लाहौर। पाकिस्तान में टेलीविजन का जो बराहे रास्त यानी कि काम शुरू हुआ या जो इसकी नशरियात जो है वो नशर की गई लाहौर से 1964 में की गई। देन इट स्प्रेड एंड एस्टैब्लिश मेनी सेंटर्स इन कराची, कोटा एंड पेशावर। उसके बाद उसके जो है कई सेंटर्स जो है मतलब बढ़ा दिए गए कराची में, कोयटा में और पेशावर में। अदर प्राइवेट चैनल्स आर अलाउड टू ब्रॉडकास्ट देयर प्रोग्राम। और दूसरे भी जाती तौर पर जो प्राइवेट चैनल्स थे उन्हें भी इजाजत दे दी गई कि वो अपने प्रोग्राम जो है वो बराह-ए-रास्त नशर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग जो है वो समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, इस रीडिंग यानी कि इस लेसन को रीड करके कोई भी एक पैराग्राफ उसकी ऑडियो बनाकर हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।